बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। साद व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर ब्लू एयरलाइन पर। अगर आप दुबई के लिए सफ़र कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, क्या ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक नया सर्कुलर एयर ब्लू एयरलाइन की जानिब से हमें रिसीव हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मगर पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज एयर ब्लू एयरलाइन की जानिब से 3 सर्कुलर्स हमें रिसीव हुए हैं। पहले सर्कुलर जो था उसमें शारजा के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी थी, उस पर मैं ये वीडियो बना चुका हूं, ये आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने सारा तरीक़ाकार बताया है कि जिनका दुबई वीज़ा है, जिनका शारजा अबू धाबी एयरलाइन का वीज़ा है, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके अलावा अबू धाबी के लिए भी उन्होंने सर्कुलर जारी किया था कि जो लोग अबू धाबी जाना चाहते हैं, दुबई रेजिडेंस वीज़े वाले हैं या शारजा अबू धाबी एयरलाइन वीज़े वाले हैं, उनके लिए क्या सफरी हिदायत हैं, इस पर भी मैं ये वीडियो बना चुका हूं। और अब एयर ब्लू की जानिब से जो सर्कुलर हमें रिसीव हुआ है दुबई के लिए, जो सफरी हिदायत हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है फॉर ट्रैवलिंग टू दुबई एयरपोर्ट, एयर ब्लू की जानिब से जारी हुआ है। वो कह रहे हैं कि जिनका दुबई इशूड रेजिडेंस वीज़ा है, उन्हें सिर्फ GDRFA अप्रूवल चाहिए होगा और वो दुबई एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। ना किसी वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत है, ना आपने जनाब किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर वैक्सीन लगवाई हुई है या नहीं लगवाई हुई, जो दुबई रेजिडेंस वीज़े वाले हैं वो एयर ब्लू एयरलाइन पर दुबई के लिए बग़ैर वैक्सीन या बग़ैर वैक्सीन सर्टिफिकेट के ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के हवाले से भी यही पॉलिसी है कि उन्हें सिर्फ GDRFA की अप्रूवल चाहिए होगी, और बेशक उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है या नहीं लगवाई हुई, वो लोग दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ ये बात आप नोट कर लें कि जिनका शारजा अबू धाबी एयरलाइन वगैरह या दीगर रियासतों के वीज़े हैं तो वो लोग एयर ब्लू एयरलाइन पर दुबई के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। उन लोगों को डेफिनेटली शारजा या अबू धाबी ही जाना पड़ेगा, वो लोग दुबई एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। इसी तरह से जिन लोगों के दुबई रेजिडेंस वीज़ाज़ हैं, अगर वो अबू धाबी जाना चाहते हैं तो वो लोग नहीं जा सकते, क्योंकि अबू धाबी एयरपोर्ट जो है, अबू धाबी, वो GDRFA अप्रूवल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इस वजह से एयर ब्लू एयरलाइन पर आप अबू धाबी भी नहीं जा सकते अगर आपका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है। तो ये एक मालूमाती वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल साद व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेटेड वीडियो आपको प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। वस्सलाम।